चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों से संवाद कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भारतीय किसान संघ कार्यालय पहुंचे, राजधानी पहुंचे, किसान संघ से सीधा संवाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का। सम्मान निधि के लिए संघ के सीएम को यहां पर बातचीत की जाएगी, उनकी समस्या सुनी जाएगी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान तुरंत उसका निराकरण करेंगे। राजधानी पहुंचे किसान संघ कार्यालय सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां सीएम को सम्मानित भी यहां संघ की तरफ से किया जाएगा। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी ही देर बाद किसानों से सीधा संवाद करेंगे। किसान संघ नेताओं को संबोधित कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान किसानों की समस्याएं सुनेंगे और उसके बाद उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, किसान आंदोलन की तस्वीर भी हमने देखी, 4.5 महीने से ज्यादा हो चुका है और 1 अप्रैल से यहां कांग्रेस ने किसान हेल्प डेस्क की शुरुआत की है, किसानों को साथ निकले। वहीं अब बीजेपी भी अब किसानों से सीधा संवाद कर रही है, तीनों को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल रितु, दरअसल आप देखें कि कांग्रेस ने तो अभी हेल्प टैक्स शुरू करने का ये प्लान किया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि के आयोजन कर डायरेक्ट किसानों से जुड़ रहे हैं। फिर चाहे प्रदेश के कई हिस्सों में आप देखें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जाकर किसानों से बात की और उनको किसान सम्मान निधि के माध्यम से वो 10,000 की राशि, जो 4,000 राज्य की और 6,000 रुपए केंद्र की है, दोनों मिला के आप देखें कि 10,000 की राशि, ऐसा एक अल्टरनेट व्यवस्था इन्होंने की है कि किसानों की हर किसान की जरूरतमंद के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजने की योजना है दोनों सरकार को मिलाकर। तो ये जो राहत वाली बात है या किसान सम्मान निधि की बात है, तो किसानों के सम्मान की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से करते आ रहे हैं। और दरअसल किसान आंदोलन की बात जिक्र जो आपने किया है, तो किसान आंदोलन तो सतत जारी है और अनवरत जारी है, और भाजपा लगातार कह रही है कि जो लोग किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं या जो भागीदारी निभा रहे हैं, वो दरअसल किसान नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में कहीं ये सुगबुगाहट पहले शुरू हुई थी कि किसान वहां आंदोलन में शामिल होने जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के जितने भी नेता हैं, उन्होंने सबको एक एकजुटता के साथ हर क्षेत्र में किसानों के पास भेजा, और भेजने के बाद किसानों को समझाइश दी, किसी कानून के बारे में समझाइश दी, किसी बिल के बारे में समझाइश दी। इन सब चीजों को लेकर अब आज जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय किसान संघ के कार्यालय पहुंचे हैं और वहां प्रदेश में राजधानी से जो संघ के, जो किसान यूनियन के नेता हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है कि किसानों की समस्याओं से अब वो रूबरू होंगे। और क्या समस्याएं हैं, क्योंकि लगातार किसानों की ही बात मध्य प्रदेश सरकार में होती है, किसान मजदूर और गरीब तबके की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा करते हैं और इनके उत्थान की बात भाजपा करती है, तो ऐसे में अच्छी बात है। हालांकि आप देखें कि सम्मान निधि के लिए किसान संघ ने सीएम को सम्मानित भी किया, तो एक अच्छी पहल है, किसान संघ की ओर से भी एक अच्छी पहल है और भाजपा की तो क्या ये कहा जा सकता है, तारीफ ही की जा सकती है यहाँ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, कि जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए सोचा है और जब प्रदेश का खजाना खाली हो उस समय किसानों के खातों में इस तरीके से राशि डालना, सम्मान निधि डालना, ये बड़ी बात है ऋतु। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय किसान संघ कार्यालय पहुंचे, इस दौरान प्रदेश भर से राजधानी किसान संघ नेताओं को संबोधित भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आपको बता दें कि सम्मान निधि के लिए संघ ने सीएम को सम्मानित भी किया है, तो वहीं प्रांतीय सम्मेलन के माध्यम से किसान संघ की मांगों पर चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को भी सुना जाएगा और इसके निराकरण को लेकर भी यहां बातचीत की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर।